देश में हुए लोकसभा चुनाव की 4 जून को मतगणना होगी। मतगणना को लेकर उधम सिंह नगर जिला प्रशासन के द्वारा तैयारियां पूरी की जा रही हैं। उधम सिंह नगर जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी उदय राज सिंह ने बगबाड़ा मंडी में बने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया और मतगणना को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी उदय राज सिंह ने बगबाड़ा में नोडल अधिकारियों की बैठक लेते हुए मतगणना की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने मतगणना कर्मियों को प्रशिक्षण विभाग और प्रशिक्षण विकास भवन में दिलाने के निर्देश नोडल कार्मिक को भी दिए। उन्होंने पुलिस और ARTO को वाहनों की पार्किंग व्यवस्था करने के साथ ही नोडल बैरिकेडिंग को सभी विधानसभावार मतगणना केंद्रों में बैरिकेडिंग करने के साथ ही जालियां लगाने के निर्देश भी दिए। गर्मी के मौसम को देखते हुए पर्याप्त पेयजल व्यवस्था रखने के भी निर्देश दिए गए। साथ ही मतगणना कार्मिकों के प्रथम जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतगणना विधान सभावार में 14-14 टेबल रखी जाएगी और पोस्टल मतों की गणना 34 टेबलों में होगी। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की खास रिपोर्ट। कि मैं जो निर्वाचन संपन्न हुआ है, प्रथम चरण में निर्वाचन था और मतगणना 4 जून को नियत है। बगवाड़ा मंडी को मतगणना स्थल बनाया गया है, स्ट्रांग रूम भी वही है और उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं और उसमें जो भी मतगणना के लिए स्टाफ की आवश्यकता है, मतगणना सहायक की, मतगणना सुपरवाइजर की, माइक्रो ऑब्जर्वर की, ARO या अन्य जो भी काउंटिंग टीम की ज़रूरत है, उन सब की हम लोग कल परसों में ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। उनके ड्यूटी ऑर्डर्स जारी हो गए हैं। मतगणना हेत जो टेबल लगनी है, कुर्सियां लगनी है, कक्षों की व्यवस्था की जानी है, उन सारी व्यवस्थाओं को कल हम लोगों ने देखा है और सारी तैयारियां समय के अनुरूप और माने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड के जो निर्देश है उसके क्रम में हम लोग कर रहे हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो भी 300-350 का स्टाफ है, स्टाफ की भी कमी नहीं है, तो हम लोग सबको लगा करके काउंटिंग के लिए अलग स्टाफ है इतना लगभग। इसके अलावा जो ETPBS है, जो पोस्टल बैलेट है, उसके लिए अलग स्टाफ लग रहा है, तो सारे स्टाफ को लगाया जा रहा है। पुलिस प्रबंध भी कप्तान साहब की ओर से किया जा रहा है। और